हेलो दोस्तों, स्वागत है रेल फैंस आसाम यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं अबाउट द न्यू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन सर्विस के बारे में। जी हां दोस्तों, अबाउट द न्यू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन सर्विस के बारे में। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था दोस्तों, न्यू अपना रेलवे स्टेशन में जो कि रिस्टोरेशन वर्क है, तो दोस्तों इस सेक्शन में कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो जी हाँ, एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। बिटवीन सिलचर एंड न्यू हफलोंग या न्यू हफलोंग एंड सिलचर के बीच में एक नया पैसेंजर स्पेशल ट्रेन बहुत जल्द स्टार्ट करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, फ्रॉम 30 जून से 30 जून से लेकर 14 जुलाई तक, यानी 14 जुलाई तक ऑफ 2022 तक ये चलाया जाएगा दोस्तों। और आगे जो कि डेट्स वगैरह है, चलाया जाएगा कि नहीं तो दोस्तों आगे आप लोग को मालूम चलेगा दोस्तों आने वाले दिनों में। तो अभी जो कि फिलहाल का डेट्स है, तो 30 जून से लेकर 14 जुलाई तक ये ट्रेन सर्विस चलाया जाएगा दोस्तों, एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन सर्विस बिटवीन सिलचर एंड न्यू हफलोंग के बीच में। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके टाइम टेबल के बारे में, एक्चुअली जो कि इस रूट में कितना बजे इसका डिपार्चर एंड अराइवल जो कि होगा, और साथ ही जो कि स्टॉपेजेस है, तो स्टॉपेजेस के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में एकदम डिटेल में। तो दोस्तों साथ ही इस वीडियो में लाइक हो जाना चाहिए दोस्तों। जी हाँ, इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक हो जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज है। तो प्रीवियस वीडियो जो कि मैंने पोस्ट किया था, तो एक बैड न्यूज मैंने दिया था, उसमें बैड अपडेट था आप लोगों के लिए जो कि कैंसिलेशन ऑफ ट्रेन्स के बारे में था, और साथ ही ट्रेन्स रिजम्पशन के बारे में भी मैंने बोला था कि कब से स्टार्ट होने जा रहे या नहीं। तो जी हाँ, एनएफएलयू की तरफ से एक नया गुड न्यूज दिया गया है, कल से यानी 30 जून से लेकर 14 जुलाई तक इसका जो कि पैसेंजर स्पेशल ट्रेन सर्विस है तो चलाया जाएगा दोस्तों। तो इन ऑन स्क्रीन अभी आप लोग को मैं दिखा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। तो मॉर्निंग 7:20 में इसका डिपार्चर है फ्रॉम सिलचर से, एंड उसके बाद जो स्टॉपेजेस है बदरपुर, सिकृतिपुर, हिलारा, बिहारा, चंद्रनाथपुर, दमचेरा, बंदरखाल, डिटोकचेरा, देन न्यू हरंगजाऊ, जतिंगा लामपुर एंड न्यू हफलोंग। जी हाँ दोस्तों, न्यू हफलोंग पहुंचा दिया जाएगा सुबह 11:30 में, यानी 11:30 पहुंचा दिया जाएगा सुबह एट न्यू हफलोंग। एंड जो कि आफ्टरनून में दोपहर को इसका फिर से डिपार्चर होगा फ्रॉम न्यू हफलोंग से लेकर सिलचर के बीच में। तो न्यू हफलोंग से इसका डिपार्चर है 15:30, यानी 3:30 बजे इसका डिपार्चर है फ्रॉम न्यू हफलोंग से। 3:30 में इसका डिपार्चर है फ्रॉम न्यू हफलोंग से लेकर सिलचर तक, और सिलचर पहुंचा दिया जाएगा दोस्तों रात को 8:30 में। जी हाँ दोस्तों, 8:30 में इसको पहुंचा दिया जाएगा सिलचर, एंड नेक्स्ट डे सेम 7:20 में इसका फिर से डिपार्चर होगा फ्रॉम सिलचर से लेकर न्यू हफलोंग के बीच में। तो इसका जो कि कंपोजिशन है, तो टोटल 11 कोचेस का ये ट्रेन है दोस्तों। जी हाँ, टोटल 11 कोचेस होने वाला है इस ट्रेन में, जो कि पैसेंजर स्पेशल ट्रेन है। और साथ ही न्यू हफलोंग से इसका ट्रेन नंबर है 05615 फ्रॉम न्यू हफलोंग इसका ट्रेन नंबर होने वाला है, और जैसे कि मैंने बोल ही दिया फ्रॉम सिलचर 05616 इसका ट्रेन नंबर होने वाला है दोस्तों। तो जो कि अकॉर्डिंग टू ऑल स्टॉपेजेस, जो कि डिपार्चर एंड अराइवल टाइमिंग से आप लोग अच्छे से देख सकते हैं ऑन स्क्रीन में, यहाँ पे आप लोग को जूम करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बदरपुर में इसका 8:05 में इसका अराइवल है बदरपुर, देन जो कि 8:15 पर इसका डिपार्चर है फ्रॉम बदरपुर, यानी 10 मिनट का हॉल्ट होगा। देन 8:39 पर इसका सिकृतिपुर पे 1 मिनट का हॉल्ट है, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, 2 मिनट का हॉल्ट है सिकृतिपुर। 8:41 में इसका डिपार्चर है। तो ऐसे ही जो कि ऑल स्टॉपेजेस में जो कि अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग से आप लोग खुद देख लीजिए दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। और साथ ही जो कि एक गुड न्यूज है, तो सभी लोगों तक ये आप लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों, जो कि आप लोग फ्रेंड्स है या फ्रेंड सर्कल है या किसी भी जो कि मेंबर्स के बीच में जो कि है, शेयर करना मत भूलिए दोस्तों इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक गुड न्यूज है जो कि दोस्तों न्यू हफलोंग से लेकर सिलचर के पीपल के लिए बहुत ज्यादा गुड न्यूज है दोस्तों। और आने वाले दिनों में जो कि एकदम लमदिंग से लेकर जो कि बदरपुर जो कि हिल सेक्शन है, तो कब जो कि सभी ट्रेन एक्चुअली सभी जो कि एक्सप्रेस ट्रेन है, जहाँ जो कि असम के बाहर में जाने वाला ट्रेन हो या असम से बाहर या असम के बाहर से आने वाले जो कि ट्रेन है, तो कब से जो कि इस रूट में फिर से रिजम्पशन होगा, तो दोस्तों आने वाले टाइम में मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा दोस्तों, अगर कुछ भी ऑफिशियल अपडेट निकला दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक हो जाना चाहिए, और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आने वाले दिनों में और नए अपडेट्स आने वाले दोस्तों। धन्यवाद।